तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक से मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो लोग जोर से फॉलो कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 4000 फॉलोअर्स के काफ़ी नज़दीक हूँ मैं। तो जिन लोगों को भी बाइक कार से रिलेटेड सबसे पहले न्यूज़ जाने, जिन लोगों को भी बाइक कार से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो ये सब डायरेक्टली आप मेरे से चीज़ क्लियर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यूट्यूब पे हर किसी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। मैं इंस्टाग्राम पे हर किसी को कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, और साथ ही मैं इंस्टाग्राम में काफी ईजी होता है आप लोगों को अपडेट करना कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी क्या चल रही है। तो इंस्टाग्राम के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM Duke 125 2021 मॉडल के बारे में, और साथ ही में इस वीडियो में हम लोग बात ये भी करेंगे कि जो KTM Duke 125 है क्या ये जो बाइक है वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, क्या ये जो बाइक है आपके लिए वर्थ इट होगी कि नहीं, क्या ये बाइक अगर आप लोग खरीदते हो तो कौन सी कंडीशन में ये बाइक आपको खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में बात करें KTM Duke 125 में आपको कैसा इंजन देखने को मिलता है, कैसा फीचर्स देखने को मिलता है, और इसकी जो प्राइस रेंज में आने वाली दूसरी जो बाइक है वो इसके सामने कैसे स्टैंड आउट होती है। तो ये सब सभी चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपको सभी डिटेल्स चाहिए अगर ड्यूक 125 से रिलेटेड तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं KTM Duke 125 के डिजाइन लैंग्वेज के बारे में। तो जैसा कि अभी तक से आप लोगों ने सुनी लिया हो कि Duke 125 को रिसेंटली में एक डिजाइन का भी अपडेट मिला है, जिसके बाद से इसकी जो डिजाइन है पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है। अब इसमें आपको Duke 200 वाली डिजाइन देखने को मिलती है, और अब ये कहीं से भी बाइक पुरानी Duke 125 जैसी नहीं लगती है। तो इस न्यू वाली KTM Duke 2021 मॉडल में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या कुछ इसमें नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो ये सब चीजों पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इस न्यू वाली Duke 125 में आपको बड़ी फ्यूल टैंक मिलेगी। पहले आपको 10.5 लीटर की मिलती थी, लेकिन अब आपको 13.5 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी दी जा रही है। सीट हेट पहले से 4 mm बढ़ा दी गई है, लेकिन रियल लाइफ में उतना कुछ आपको पता नहीं चलेगा। 1818 mm पहले इसकी सीट हेट थी, अब इसकी जो सीट हेट है वो 822 mm हो गई है। और KTM ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो न्यू वाली Duke 125 है ये इंस्पायर्ड है द फ्लैगशिप Duke 1290 से। और इसमें अगर चेंजेस के बारे में बात की जाए तो फ्रंट्स, अगर आप इस बाइक को आप देखोगे तो फ्रंट्स इसका जो लुक है उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इसमें जो आपको हेडलाइट है वो वैसा देखने को मिल रहा है जैसे कि Duke 200 में आती है, और वहीं अब इसमें आपको नया ट्रेलिस फ्रेम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इंजन के बारे में बात की जाए तो इंजन वही सिमिलर है जैसा कि आपको BS4 में भी मिलता है। तो 14.5 bhp का अभी भी ये पावर जनरेट करता है और 12 nm का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वैसे ही वाला सिमिलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे अभी भी मिल रहा है जैसे कि पुरानी वाली Duke 125 में दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अभी भी इसमें डुअल चैनल ABS का सेटअप नहीं दिया है, अभी भी वही वाली सिंगल चैनल ABS आपको मिल रही है जैसे कि पुरानी वाली Duke 125 में दी जा रही थी। और वहीं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसका जो पावर टू वेट रेशियो ये थोड़ा सा और कम हो गया है, क्योंकि इसकी जो करवेट है पहले से और बढ़ गई है। पहले 152 kg की करवेट थी, अब इसमें 159 kg का करवेट आपको मिलेगा। तो करवेट का तो यहाँ पे इंक्रीज होना होना ही था, क्योंकि कंपनी ने इसके डिजाइन को चेंज किया है, इसमें न्यू ट्रेलिस फ्रेम को ऐड किया है। तो ये सब जो नई चीजें ऐड किए गए हैं कंपनी की तरफ से, उसी की वजह से इसकी करवेट जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। और वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी करवेट बढ़ी है, करवेट के साथ साथ इसके प्राइस भी बढ़ गए। यहाँ पे ये जो न्यू वाली डिजाइन है आपको वही वाली सिमिलर प्राइस पर नहीं मिलेगी जैसा कि पुरानी वाली Duke 125 पे आती थी। इसके लिए अब आपको 8000 rupees ज्यादा पे करनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो शोरूम प्राइस है वो 1.42 lakh से बदल के 1.5 lakh rupees हो गई है। तो सरल भाषा में अब इसकी जो शोरूम प्राइस है वो 1.5 lakh rupees हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक रिव्यू और क्विक अनबॉक्सिंग देखेंगे ZEP Hydra Extreme Waterproof Bluetooth स्पीकर का। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिल जाता है, हैंड्स फ्री कॉलिंग भी है, रिचार्जेबल बैटरी भी है, 8 hour सिंगल चार्ज में ये चलती है, और इसकी जो ब्लूटूथ रेंज है वो 10 meters तक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी जो डिज़ाइन है वो कैसी है और इसके अंदर क्या क्या बॉक्स कंटेंट हम लोग को देखने को मिलता है। तो जैसा देख सकते हैं कि ऐसे कुछ पैकेजिंग में ये जो स्पीकर है वो आता है। तो यहाँ सबसे पहले मिल जाता है हम लोग का स्पीकर, इसको भी रखते हैं साइड में। यहाँ कुछ इसके पेपर वर्क है, और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक ऑक्स केबल डायरेक्टली, आप ऑक्स से भी इसमें गाने बजा सकते हैं। और यहाँ आपको मिल जाती है एक चार्जर। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं ऐसी कुछ इसकी लुक है। ऊपर में आपको यहाँ पे 4 buttons मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ का है, फिर आप लोग वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और गाने पॉज या फिर प्ले कर सकते हो। तो ये स्पीकर की मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगे कि ये जो स्पीकर है इसकी जो साउंड है ये काफ़ी दूर तक आती है, जिसकी वजह से अगर आप इस स्पीकर को रोड ट्रिप पर भी लेकर जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसकी साउंड में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। और मैं दोस्तों अगर आपको ये ZEP के ब्लूटूथ स्पीकर को परचेस करना है तो इसकी जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, डायरेक्टली जाके आप लोग वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। और वहाँ पे आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप लोग वहाँ से लेते हो तो आपको इस पर अच्छी खासी डिस्काउंट भी मिल जाएगी, और वही वाली कूपन कोड जो है आपकी स्क्रीन पर भी अभी डिस्प्ले हो रही होगी। तो अब बिना देरी करते हुए डायरेक्टली अब हम लोग इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। Thank you.
कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को इसकी साउंड क्वालिटी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वहीं अगर आप लोगों को खरीदना है तो जैसा मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो परचेस लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। सो बैक टू द वीडियो, अगर हम लोग इसके ऑनर प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो ड्यूक 125 का 2021 मॉडल आया है, अब इसके लिए आपको ऑनर न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ेगी 1,71,000 रुपीज, मतलब 1,71,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप इसके BS6 2021 मॉडल को लेना चाहते हो। तो वैसे अगर आप लोग चाहते हो कि इसे कम प्राइस में आपको ड्यूक 125 मिले तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा, क्योंकि अभी भी जो BS6 2020 मॉडल वो बहुत जगह KTM के पास रिमेनिंग स्टॉक में बची हुई है, तो उसको अगर आप लोग चाहते हो तो ले सकते हो। उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी 1,61,000 रुपीज ऑन रोड में। और वही इसके इंजन में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया कि जैसे इसमें BS4 में इंजन आता था वही सेम इंजन इसमें आपको BS6 के साथ भी मिल रहा है। कोई पावर और टॉर्क में चेंजेस नहीं हुआ, 14.5 BHP का पावर और 12 Nm का आपको टॉर्क मिल रहा है इसके 124cc लिक्विड कूल्ड इंजन से। और वही पहले की तरह इसमें अभी भी 6-speed गियरबॉक्स है, लेकिन इसमें ना ही तो कोई डुअल चैनल ABS को ऐड किया गया है, ना ही इसमें कोई स्लीपर क्लच को कंपनी ने ऐड किया है। हाँ, वैसे मैं ये मानता हूँ कि KTM के जो ब्रेक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीडबैक उनमें आपको आती है, लेकिन यहाँ पर अगर इसमें डुअल चैनल ABS कंपनी देती थी तो और ज़्यादा इसमें अच्छा हो जाता। तो दोस्तों हम लोग कंक्लूजन पे बात करते हैं कि क्या ये जो बाइक है वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, क्या ये जो बाइक है आपके लिए वर्थ इट होगी कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग BS6 2021 मॉडल को लेकर चलेंगे और वही वाली बाइक को हम लोग कंपेयर करेंगे इसी प्राइस रेंज में मिलने वाली दूसरी बाइक्स के साथ। तो दोस्तों अगर हम लोग पावर और टॉर्क के अकॉर्डिंग अगर इसको कंपेयर करें इसी प्राइस रेंज में मिलने वाली दूसरी बाइक्स के साथ, तो पावर और टॉर्क में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाती है। जैसे इस प्राइस रेंज में आपको RS 200 मिल जाती है, R15 मिल जाती है, MT15 मिल जाती है, और थोड़ा आप लोग ज़्यादा नीचे जाओगे तो आपको NS 200 भी मिल जाएगी। तो RS 200 के लिए आपको ऑन रोड में प्राइस पे करनी पड़ती है 1,74,000 रुपये, जिसका मतलब है कि आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी ड्यूक 125 से। और वहीं अगर आप लोग R15 V3 को लेते हो तो उसके लिए ऑन रोड में प्राइस पे करनी पड़ती है आपको 1,70,000 रुपये। अपर वेरियंट्स के लिए थोड़े से ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड वेरियंट है उसके लिए आपको 1,000 रुपये कम ही पे करने पड़ेंगे ड्यूक 125 से। साथ ही में जो MT15 आती है R15 की जो नेकेट सिबलिंग है उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है ऑन रोड में 1,61,000 रुपये, जो कि 10,000 रुपये कम है ड्यूक 125 के 2021 मॉडल से। और वहीं NS 200 जो है वो ऑन रोड में मिलती है 1,51,000 रुपीज में, जो कि ड्यूक 125 2021 मॉडल से 20,000 रुपीज कम है। तो यहाँ पे जितनी भी सब चारों बाइक्स का मैंने आपके सामने नाम लिया, सभी में यहाँ पे जो पावर और टॉर्क है काफी ज्यादा आपको अच्छा देखने को मिलता है ड्यूक 125 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बात एकदम सिंपल सी है कि अगर आपको पावर और टॉर्क ज्यादा चाहिए तो इन चारों बाइक जिनका मैंने यहाँ पे नाम लिया उन चारों में से आपको एक को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ड्यूक 125 से वे बेटर आपको यहाँ पे पावर और टॉर्क देखने को मिल रहा है, मतलब परफॉर्मेंस भी रियल लाइफ में काफी ज्यादा अच्छी है ड्यूक 125 के कंपैरिजन में। और वहीं फीचर्स और सेफ्टी के भी अकॉर्डिंग ये जो चारों बाइक्स है इनमें से कुछ जो बाइक्स है जिनमें आपको फीचर्स भी ज़्यादा देखने को मिलती है, सेफ्टी भी ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ड्यूक 125। जैसे कि R15 V3 में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, स्लीपर क्लच मिल जाता है, LED हेडलैम्प मिल जाता है, RS 200 में भी आपको डुअल चैनल ABS मिल जाती है। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये सब ड्यूक 125 से मिसिंग है। वहीं इससे जो कम प्राइस में आने वाली MT15 है उसमें भी आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि NS 200 में कुछ फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन 20,000 रुपये कम में आपको वही सेम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है जैसे कि ड्यूक 125 में दी जाती है 20,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा लगाते हो तो, क्योंकि ना ही डुअल चैनल ABS आपको NS 200 में मिलता है, ना ही ड्यूक 125 में मिलता है, ना ही स्लीपर क्लच आपको ड्यूक 125 में मिलता है, ना ही NS 200 में मिलता है, लेकिन 20,000 रुपीस कम लगा के आपको 24 BHP की पावर मिलती है, जो कि अप्रोक्स 10 BHP ज्यादा है अगर ड्यूक 125 से कंपेयर करते हो तो। और वहीं दोस्तों 10 BHP कोई छोटा मोटा पावर फिगर नहीं है, 10 BHP में आराम से 100-110cc की बाइक खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे बात एकदम सिंपल सी है कि अगर आपको परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए तो आपको ड्यूक 125 के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 14.5 BHP काफी ज्यादा कम पावर है एक 1,71,000 रुपीस प्राइस मार्क के साथ आने वाली बाइक के लिए। तो नो मैटर यहाँ पे आपको कंपनी कैसा भी डिजाइन दे रही है, अगर आपको कंपनी यहाँ पे सुपर बाइक की भी डिजाइन उठा के दे देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाइक की फन टू राइड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हर दिन आपको डिजाइन ही नहीं देखनी, आपको बाइक को चलाना भी है। लेकिन एक ना एक दिन आप लोग डिजाइन देकर जरूर बोर हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे फायदा ही क्या कि जब वो जो बाइक है वो फन टू राइड हो ही ना। तो कौन सी कंडीशन में ये बाइक आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए तो चीज मैंने आप लोगों को बताया दिया। अब हम लोग ये बात करते हैं कि कौन से लोगों को ये बाइक को लेना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप लोग KTM के फैन बॉय, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि KTM की ही बाइक लेना है तब आप लोग ये बाइक के साथ आराम से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बाइक को अगर आप लोग ले लोगे तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ये जो बाइक है आपके साथ ठीक से वर्क नहीं करेगी। तो ये बाइक को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया, इसमें काफी सारे प्रीमियम हार्डवेयर कंपोनेंट्स का भी यूज किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो बाइक इसमें कुछ भी चीजें अच्छी नहीं है। बस अच्छी इसमें ये चीज़ नहीं है कि इसका जो प्राइस ये काफी ज्यादा है, क्योंकि 125cc के लिए 1,71,000 रुपए काफी ज्यादा होते हैं। और वहीं उससे भी बड़ी बात यह है कि 1,71,000 रुपए में आपको वैसी पावर और टॉर्क भी नहीं मिलती जैसे इसी प्राइस रेंज में आने वाली दूसरी बाइक्स के साथ आपको मिल रही है। तो यहाँ पे ये चीज मैंने इसलिए कहा क्योंकि 155cc इंजन के साथ यामा 200cc की परफॉर्मेंस दिखाती है, तो कम से कम 125cc के साथ कंपनी को यहाँ पे 180cc बाइक्स तक की तो परफॉर्मेंस दिखानी ही चाहिए थी। तो यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जैसे इंडिया में 180cc बाइक्स बिकती है उनके जैसे इसमें पावर होना चाहिए, लगभग 17 BHP या फिर 17.5 BHP का भी होता तो ये वाली जो प्राइस मार्क है उसको थोड़ा बहुत जस्टिफाई भी कर देता। अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मैं
वर्डिक्ट दूं तो ये जो बाइक है वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, और वहीं ये जो बाइक है वर्थ इट उन्हीं लोगों के लिए हो सकती है सिर्फ और सिर्फ जिनको सिटी में राइड करना है। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं अपना डिसीजन सुनाऊं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भला अगर आप इस सिचुएशन में पड़ जाते तो आप कौन सी बाइक खरीदते, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से क्लियर बोलना चाहूंगा कि अगर कभी मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ जाता हूँ तो यहाँ पे मैं आग बंद करके RS 200 या फिर R15 V3 के साथ जाना पसंद करता हूँ, डिपेंडिंग अपन माई राइडिंग नीड्स, क्योंकि मेरे को 125 cc बाइक 1,71,000 रुपये में चाहिए ही नहीं। और मैं इसकी जो BS6 2020 मॉडल है जो कि 1,61,000 रुपये में आती है तो वो भी मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि 125 cc के अकॉर्डिंग वो भी जो प्राइस मार्क है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो इस बाइक की जो प्राइस है 1,30,000 या फिर 1,40,000 रुपीज़ ऑन रोड में मिल जाती तब कुछ समझ में आता है कि ये जो बाइक ये अपनी प्राइस को हल्का जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि KTM की तरफ से आती है तो थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते कि एक्सपेंसिव होगी, लेकिन ये जो प्राइस मार्क है कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपने डिसीजन अपना वर्डिक्ट सुना दिया, तो अगर आप लोग मेरे इस डिसीजन से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस सिचुएशन में पड़ जाते हो तो आप लोग कौन से बाइक को लेना पसंद करोगे ये भी जरूर बताइएगा। और वहीं इस वीडियो में जितनी भी मैंने डिटेल्स आपको बताई, अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए कोशिश किया है कि Duke 125 2021 मॉडल से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाए, सभी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स शेयर करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मेरे को आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग लाइक जरूर से कर दोगे। और वहीं ये वीडियो से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नॉलेज मिलती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और वहीं आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।